मैं हूँ अमित सानी। सॉरी आपको मेरा मरा हुआ चेहरा देखना पड़ा। वो क्या है ना कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ जिससे मेरी जान जा सकती है। you know, इससे पहले कि आपको लगे ना मेरी कोई सैड सी कहानी है, मामी भाग गई, पापा डाइड टाइप्स, आपको बता दूं, आई एक्चुअली कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली। पापा रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। माँ की खुद की शादी नहीं हुई थी, तब से वो मेरे शादी को लेकर टेंशन में है। और हर रोज शाम को झूले पे बैठकर वो अपने कॉल्स करती है। और ये है पुश, शॉर्ट फॉर पुष्कर, मेरे थर्ड स्टैंडर्ड का थर्ड रेट फ्रेंड। मेरे पास वो सब चीजें थी जिससे पता चलता है IMS, यानी कि आई एम सेट। कार, क्रेडिट कार्ड, कॉन्डो, मेरा परफेक्ट घर और उसके साथ एक ब्लोइंग जॉब, आई मीन माइंड ब्लोइंग जॉब, सॉरी माइंड ब्लोइंग। Hey Amit, great job on the Exelon deal. अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना परफेक्ट है तो कहानी में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? I broke up with my girlfriend because she didn't like Sachin, all right? तो तू उसके साथ ब्रेकअप कर रहा है क्योंकि उसे सचिन पसंद है। I want to find the right girl. और ये right girl कैसे मिली? मेरे पास एक लिस्ट है। इस फंडे का बैकग्राउंड समझने के लिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। उसे देखो and look at you, is it a rock band? Sid Kuto. Hey, what's up? तो तूने लिस्ट बनाई है और वो भी नताशा की वजह से। कितनी क्यूट है ना? पिंकी नाम है उसका। And Pinky is a pilot. I love Sachin. Pinky loves Sachin. Smooth drive. Tubeless tires है ना इसलिए। Horsepower क्या है? 200. And the size of the engine? नहीं पता। इतने सारे मिस कॉल्स के बाद एक आशा की किरण जागी। पुश हैड अ फ्रेंड कॉल्ड किरण और उसके हिसाब से हम एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट थे। ही सेट अस अप ऑन अ ब्लाइंड डेट। हाय, आई एम किरण। हाय माँ। व्हाट अप बेटा? अच्छा सुन, मैंने तेरा नंबर ना किसी को दिया है, तू बात कर लेना। माला नाम है उसका, आजकल मुंबई में रहती है। ये माला कौन है? बड़ी प्यारी लड़की है। हाय। अमित। यस। माला। माला। बैठो ना। भैया। एक्चुअली मुझे एक कॉफी चाहिए, सो आई एम जस्ट गोना, यू नो, अगर चेहरे से लिस्ट वाली लड़की नहीं लग रही थी ना तो सीटी मार के कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो तुम माँ से कैसे मिली? पोल डांसिंग क्लास में। सॉरी व्हाट? मॉडल कॉलेज में पोल डांसिंग सिखाती थी, सारी आंटी आती थी, बहुत मजा आता था। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। सो डू यू लाइक क्रिकेट? नो, आई लाइक समथिंग फास्ट एंड फ्यूरियस। देखो साफ बात है, ऑलराइट, माला जैसी लड़की की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। लिस्ट में लिखी एक भी चीज नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में सोच क्यों रहा था? हाय। हाय। अमित, एक सेकंड बैठो। वन सेकंड। ओके। किसी इंटेलिजेंट आदमी ने कहा था कि अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। ऑब्वियसली उस इंटेलिजेंट आदमी को उसके बेस्ट फ्रेंड ने कभी लव बाइट नहीं दिया होगा, लेकिन मुझे 10 साल पहले एक कुत्ता काट चुका था और तब से कुत्तों से सख्त नफरत है मुझे, और नफरत से भी ज्यादा डर। नोनी सिंह जी, यू ग्राउंडेड, यू ग्राउंडेड, यू ग्राउंडेड। पकड़ो, पकड़ो ना। ट्राई किया है कभी? नो, आई हैव अ स्मॉल इशू विद हाइट्स, इट्स नॉट अ बिग डर। डोंट बी सिली, इट्स सो मच फन। दिस गर्ल वाज MAD, मैड, एंड मैड वाज NOT, नॉट ऑन माय लिस्ट। माला के साथ और वक्त बिताने का प्लान बना लिया था क्योंकि मुझे अपने आप को यकीन दिलाना था कि ये अट्रैक्शन इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे मेरी लिस्ट वाली लड़की नहीं मिल रही थी। दैट्स इट, इट वाज रिसर्च। लेकिन माला की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी एंड आई डिडंट वांट देम टू एंड। माला और मैं हर वक्त साथ रहने लगे। इनफैक्ट आई वाज सो लॉस्ट इन माला कि मैंने एक ऐसी चीज कर दी जिससे मैं खुद हैरान था। आई मिस्ड सचिन तेंदुलकर's रिटायरमेंट सेरेमनी। फिर मुझे लगा दिस वॉज मच मोर देन जस्ट अट्रैक्शन।
शायद मुझे माला से प्यार हो गया था। किसी इंटेलिजेंट आदमी ने कहा था कि प्यार में लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद इसलिए मैंने माला से कह दिया, मैं तुम्हारे साथ बंजी जंपिंग करना चाहता हूँ। मुश्किल है माला ये सब चीजें करना, उनसे भी ज्यादा मुश्किल है ये सब नहीं करना। जो तुम करती हो वो नहीं करना, जैसे तुम जीते हो वैसे नहीं जीना, बहुत मुश्किल है। मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है। नहीं, नहीं, मैं बदल गया माला। फील जुलाई 9th को मेरी यानी अमित सानी की सगाई यानी कि इंगेजमेंट हो गई थी, और ठीक 48 घंटों के बाद देविका देव, अमित सानी डीबीएस, नाइस टू मीट यू अमित सानी डीबीएस मॉर्गन स्टैनली, आई एम अहमदाबाद आईआईटी बॉम्बे। सो वुड यू लाइक टू बैट फर्स्ट? ऑलवेज बैट फर्स्ट, दैट्स द रूल। ओके, पर लेफ्ट बैट पहले पहनना, इट्स लकी। You're a Sachin fan. I'm gonna get started. She was perfect in every way, all right? Every way. She was super intelligent, super talented, super hot. देविका मेरी लिस्ट वाली लड़की है, इसका मुझे यकीन हो गया था। पर अब क्यों, जब माला से मेरी एंगेजमेंट हो गई थी तब क्यों नहीं जब मैं उसे ढूंढ रहा था? हमें तुम कुछ खास काम से आए थे? मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट? वो सब चीजें जो मैं एक लड़की में ढूंढ रहा हूँ। तुम मेरी लिस्ट वाली लड़की हो। कल रात के बाद मुझे भी लगा था कि हम दोनों के बीच में कुछ स्पेशल है। तुम्हें पता है मेरी भी एक लिस्ट है। Really? और तुम almost perfect हो, तुम engaged हो, ये मेरी लिस्ट में नहीं है। कॉपी, यहाँ कैसे? बस। ऑफिस नहीं जाना? Is this a surprise? मुझे तुमसे बात करनी है। I found her. मेरी लिस्ट वाली लड़की। लिस्ट वाली लड़की? बहुत साल से मैं परफेक्ट लड़की को ढूंढ रहा हूँ। It's when I met you. I really like you. लेकिन मैं लिस्ट वाली लड़की नहीं। मैं पूरी जिंदगी ये सोचते हुए नहीं गुजार सकता कि लिस्ट वाली लड़की होती तो। I'm sorry. माँ और पापा को धक्का लगा। इनफैक्ट पापा ने पेपर पढ़ना बंद कर दिया। माँ ने झूलना, पर मैं सिर्फ अपनी लिस्ट की सुन रहा था। लोगों से सुनते थे, अब खुद ये देखा है, वाकई हैरत प्यार में। दुनिया ये कहती थी, अब खुद ये जाना है, वाकई हैरत प्यार में। तो ऐसी होती है परफेक्ट रिलेशनशिप विद द परफेक्ट गर्ल। यस, इंटरेस्टिंग। हैव यू हैड दी perfect night or the perfect fight? What are you talking about? Hum ladai nahi karte, that's why it's the perfect relationship, remember? Dude, her relationship mein fight zaruri hoti hai, choti moti se, like us. They're like a air valve on a pressure cooker. Relationship ko phatne se rokti hai. I guess hume mauka hi nahi mila. Main deta hu na mauka. Ladai karni hai to unka formula apply kar. Jaise wo hame irritate karti hai, waise hi tu uske dimag ka maggi bana. How's this? Theek lag raha? Of course, Amit, बहुत अच्छे लग रहे हो। I think this makes me look fat. Amit, it's just a suit. सब सूट सेम होते हैं। Can you see that? It's not just a suit, okay? Amit. अब तक अगर नहीं इरिटेट हुई ना तो थोड़ा और मसाला डाल। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं,
Just enjoying the evening. अब क्या सोच रहे हो? मैं सोच रही हूँ about how perfect we are and how much I love you. Oh. और अब the final तड़का. Hi Amit. कुछ urgent है? नहीं, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था. अमित अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ऑलराइट? प्लीज. बातें नहीं होंगी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. आई डोंट वांट प्रॉब्लम्स देविका. डू यू वांट प्रॉब्लम्स? बोलो बोलो. देविका को गुस्सा नहीं आता, पता नहीं क्यों इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा. अमित, अमित सहनी, इतने साल बाद. नताशा, इट्स गुड टू सी यू अमित. काफी दिनों से मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी. Why? जब भी मैं ब्रेकअप के बारे में सोचती हूँ, I feel a little guilty. बहुत पहले की बात है ना, so. You know, तुम अच्छे बॉयफ्रेंड थे, loving and caring. तुम्हें पता है ब्रेकअप का असली रीजन? सिड और मेरी केमिस्ट्री, हमारा इमोशनल कनेक्शन. वो जब भी मुझे छूता था, I used to feel goosebumps. मुझे अभी भी गूज़बम्स फील होता है जब मैं उसे मिली. आई जस्ट न्यू ही वाज द वन. और हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं. उस समय मैं ये सब तुमसे नहीं कह पाई. कभी कभी ना एकदम से बीता हुआ कल आने वाले कल पे रोशनी डाल देता है. शायद नताशा सही थी. इमोशनल कनेक्शन, गूज़बम्स, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं. देविका और मेरी रिलेशनशिप इतनी परफेक्ट थी, लेकिन एकदम से मुझे लगने लगा कि सब गलत है और हमारे बीच में सुर की कमी है. I had to break up with her. देविका ये रिलेशनशिप को तोड़ना चाहती है. What? I'm a breakup consultant. My God. देविका ने मुझे हायर किया है ताकि आपका ब्रेकअप स्मूथ. This is ridiculous, all right? हम आपस में बात कर सकते हैं. It's too late, Amit. मैं नहीं चाहती कि हमारा टिपिकल रोने धोने वाला ब्रेकअप सीन हो, सो प्लीज दिस इज फॉर द बेस्ट. अनाहिता हियर विल एक्सप्लेन माय पॉइंट ऑफ व्यू. ब्रेकअप के रीजंस. ए, तुम बदल गए. यू नॉट द सेम मैन दैट देविका फेल इन लव विद. बी, कुछ वक्त से तुम्हारी रिलेशनशिप का रोमांस लेवल कंसिस्टेंटली लो रहा है. और सी, तुम्हारा अपनी लाइफ और करियर पे फोकस कम हो गया है. और ये सब चीजें देविका के लिस्ट में नहीं है. I wanted to break up too. तुम क्यों ब्रेक अप करना चाहते थे? हमारे बीच में कुछ मिसिंग था. देविका, तुम और मैं साथ रहते ना तो सिर्फ तुम और मैं रहते, कुछ और बन ही नहीं पाते. बाय अमित. थक गया माँ, जिंदगी से. दो दो सगाई तोड़ दी है तूने, थक तो जाएगा ना. तू ना शादी के मंडप तक ही नहीं पहुंच रहा. कहा था ना फीलिंग से दूर रहे. 3 हफ्ते हो गए थे मुझे घर से बाहर निकले हुए. सब कुछ अजीब लग रहा था. फाइनली मुझे आगे का रास्ता मिल गया. सॉरी बेटा, 404 पेज नॉट फाउंड. यानी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि माला कहाँ है. मैं माला के पापा से भी मिलने गया पर उन्हें भी आइडिया नहीं था कि माला कहाँ गई. सब जगह ढूंढा, नो लक. वही पुरानी माला, वही नया प्रोफेशन. रिमोट जंगल में ट्राइबल औरतों को हनी बीज पालना सिखा रही थी. हनी बीज. और उसके पास पहुंचने के लिए 1 हफ्ते का ट्रैक रिमोट जंगल. जब आदमी 25,000 फीट से कूदता है और जमीन की तरफ गिरता है, तब फॉलिंग इन लव का असली मतलब पता चलता है. I know कि दुनिया गोल है, but this is just ridiculous. Thank you.
हेलो सर, क्या आप घूम गए हैं? क्या आप अपने रास्ते से भटक गए हैं? यस सर, हमारा जीपीएस ऐप नेविस्टार आपकी मदद कर सकता है। आप अगर एड्रेस बता दें तो मैं आपको रास्ता बता दूंगा। मुझे दूर गांव जाना है। ओके सर। सर अब आप दुर्ग पहुंच गए हैं। थैंक यू फॉर यूजिंग नेविस्टार। ऑलवेज नो योर वे। हेलो, मैं माला को ढूंढ रहा हूं। डाइविंग, तुम्हें तो हाइट से डर लगता है। डर लगता था, सब चीजों से डर लगता था, डर से भी डर लगता था। तभी वो लिस्ट बनाई थी। जब मैं तुम्हारे साथ हूं मुझे डर नहीं लगता। माला में गलत था, मेरी पूरी सोच गलत थी। लव इज नॉट A list. Love is. I love how I feel when I'm with you. Nervous. Pagal. Excited. At peace. Amit, मैं